प्रेम बिना भजन हो तो बंदे वो है दूल समा प्रेम बिना भजन हो तो बंदे वो है दूल समा
सीतादेव्यै नमः। भगवती सीतारा माँ के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दुर्लभम त्रयमेवेदम देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। मनुष्यत्व जो है केवल मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और संत लोगों के पास उनके समीप आने के लिए देव का अनुग्रह चाहिए। देवानुग्रह के बिना यह प्राप्ति नहीं है। दुर्लभम त्रयमेवेदम या तीन मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुष लोगों के सत्संग में आने के लिए भगवान की आशीर्वाद चाहिए, दैवानुग्रह चाहिए, इसके बिना नहीं होता। यह हमें प्राप्त हुआ है, दैवानुग्रह है हमारे लिए। मनुष्यत्व तो हमने प्राप्त किया है और विष्णु पुराण में भी कहा गया है। इस भारतवर्ष में जन्म लेना बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी बात है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेता है और उसे महापुरुषों का संग हो जाता है, इससे सब कुछ इंसान की अच्छाई हो जाता है। इंसान तो महत्वाकांक्षी है मनुष्यत्व मिलने से ही, और इस भारतवर्ष में जन्म लेते ही मोक्षदायक है, इसमें अपनी साधना करने की आवश्यकता है। माता जी का जन्म 13 फरवरी 1944 को पुणे में हुआ। श्री माँ के पिताजी बताए कि उनके बचपन में खास उन्होंने कोई खास अनुभव नहीं पाया। उन्होंने इतना ही बताया कि जब ही 19वें उम्र में जब ही घर में भगवती की पूजा था, तभी ही उनमें बहुत सारे चेंजेस, बदलाव दिखाई दिए। और जब उनका उम्र 24 साल था, तभी सब आभरण सब कुछ निकाल के अलग रख दिया, फेंक दिया और सत्ती साई बाबा जी मुझे बुला रहे हैं करके बोले और प्रशांत लेने चले। उनके पिताजी को केवल इतना ही मालूम है। माता जी का प्रकटीकरण जो है 26 फ्राइडे 26 जुलाई 1963 घर में कामाक्षी देवी महाविलक्कु पूजा जो आदि मास में की जाती है। सब कामाक्षी देवी की पूजा में सब परिवार के बहुत लोग उपस्थित हुए थे। उस समय माता जी कामाक्षी देवी के तस्वीर के बगल में बैठी हुई थी, ध्यान मग्न हो गई और उनमें लोग समझे कि उनको कुछ अनकॉन्शियस स्टेट हुआ है। बाद में मालूम पड़ा कि वे केवल एक्स्टैटिक स्टेट में थे, आनंद समाधि में थे। प्रकटीकरण इस प्रकार हुआ, तभी माता जी ने बताया कि मैं कामाक्षी देवी हूँ, लोगों को जागृत करने के लिए, प्रेम देने के लिए आई हूँ। माता जी का प्रकटीकरण हुआ 26 जुलाई 1963।
और उसके बाद माताजी का रहन सहन सब में बहुत फर्क लगा, बहुत सारे बदलाव हुए, उनका रहना सहना बात करना सभी में काफ़ी अंतर हो गया था। और फरवरी 1966 को माताजी अपने माँ बाप के साथ बिल्डिंग नंबर 7 खोपरी कॉलोनी थाने ईस्ट में रहने के लिए आए। वे दयाबेन के घर में टेनेंट यानी भाड़े में रहने लगे। जब भी वहाँ पर रहते थे उनको बाबा जी का दर्शन हुआ। पहले उन्होंने देखा कि शिरडी साई बाबा बाहर चल रहे हैं, जैसा घूमे बाबा घूमे तो उनको सत्य साई बाबा का दर्शन हुआ और वे सोनेरी कलर के कपड़े पहने थे। He had worn golden robes। माता जी का पहला दर्शन जो सत्य साई बाबा का था वो गोल्डन रोब्स में था। दया बेन का घर में भाड़े में रहते थे, तभी परमी सचदेव भी के घर में भी माता जी जाते थे और परमी सचदेव भी उनको बहुत मानते थे। वो सोचते थे दरवेश है, महान संत है, ऐसा सब बोलते भी थे और परमी सचदेव का भी आना जाना चालू था। और फिर दिसंबर 1966 को माता जी कोपरी कॉलोनी से निकल के वर्तक नगर थाने वेस्ट में गए। जनवरी 1968 जनवरी 1968 शी डिस्कार्डेड ऑल द ऑर्नामेंट्स, सब उनका आवरण जो भी पहने थे वो सब निकाल दिया और उन्होंने बताया कि भगवान श्री सत्य साई बाबा मुझे बुला रहे हैं और प्रशांति निलयम उनके माँ शारदाम्बा के साथ गए। ये खास करके ज़रूरत भी था क्योंकि लोग बोलते थे इतनी छोटी लड़की है ये कैसा अकेली रहेगी क्या करेगी, और घर में भी बोला करते थे तुम ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो बहुत प्रकार से बोलते थे। माता जी के अंदर तो वैराग्य की भावना तो आ ही गई थी, तो वे उनका अपना जीवन भगवान को समर्पित करके लोक सेवा में ही लीन होने के लिए उनकी कार्य आरंभ होना था। जब उनका प्रकटीकरण हो गया उसके बाद में उनका मानव कल्याण, मानव की सेवा करना, मानव को उद्धार करना, उनको भक्ति मार्ग में लाना, भजन इत्यादि करना, ये सब सिखाने का उनका मन में बहुत था। तो इस प्रकार इस पारमार्थिक में ज़्यादा समय बिताने के लिए उन्होंने सोचा कि प्रशांत निलयम बाबा के पास जाके इनको भी एक आश्वासन होगा, वहाँ पर सत्य साई बाबा जी का इनको माता जी का दर्शन भी हुआ, उनसे संभाषण भी हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये सब कुछ अच्छा ही कार्य करेगी समाज के लिए लोक कल्याण के लिए सब करेगी करके बाबा जी ने बताया भी। तभी इनके माँ बाप को भी बहुत सारा एक धैर्य मिला। तो बाद में जैसे वहाँ से प्रशांत निलयम से वापस आ गए थाना, तभी माता जी हर गुरुवार के दिन भजन शुरू करना आरंभ किया। भजन जो है शिव मंदिर में हुआ करता था, शिव मंदिर कोपरी कॉलोनी थाने। फिर जुलाई 1968 में बहुत धूमधाम से बहुत लोगों के साथ गुरु पूर्णिमा
का त्योहार रक्षार्चना के साथ किया गया। सितंबर 1968 में माताजी फिर से प्रशांति लेन गए, उनके साथ में अनेक भक्त लोग भी गए हुए थे और वहाँ पर जहाँ माताजी रहते थे वहाँ बगल के रूम में स्वामी जी भी रहते थे। वही स्वामी जी और माताजी का पहले मुलाकात थी। जब माताजी वहाँ से माताजी और अन्य भक्तों के साथ जब भी वापस आने के लिए निकले तभी माताजी पुणे में उतर गए। पुणे में उतर के वहाँ एक भक्त के घर में रहने लगे। उस समय एक कर्नल के घर में शिरडी साईं बाबा की पालकी आने वाली थी। इनको भी वहाँ पर संदेश मिला शिरडी साईं बाबा की पालकी आने वाली है। माता जी उनके घर में गए, जाके उधर कुछ सेवा भी किया। जब पालकी आई तभी कर्नल साहब ने निवेदन किया कि आप पहले उन बाबा जी का आराधना करो। तब माता जी ने उनके उद्यान में एक बहुत सुंदर और बड़ा गुलाब का फूल निकाला, निकाल कर शिरडी साईं बाबा के चरणों को अर्पित किया। तभी माता जी के मन में विचार आया कि मुझे भी पादुका रखनी चाहिए और आश्रम बनाने का जो विचार है उनका मन में तभी ही आया। जब एक बार चलते फिरते ज्योति के साथ में स्मशान भूमि में गए थे और ज्योति को पूछा, यहाँ पर मैं आश्रम बनाने वाली हूँ, तुमको डर तो नहीं लगता है? ज्योति ने बोला कि आप है तो मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। तो तभी माता जी ने वहाँ पर आश्रम बनाने का निर्धार किया था। तभी आश्रम के लिए भूमि या लैंड तो मिला तो नहीं था, माता जी की केवल उनकी इच्छा प्रकट की थी कि वहाँ पर मैं आश्रम बनाऊंगी। 23 नवंबर 1968, 23 नवंबर 1968 में श्री सत्य साई बाबा का जन्मदिन वहाँ पर शिव मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। भजन होने के पश्चात सतदेव जी बोले कि मैं आपको आश्रम के लिए जगह दिखाऊंगा। तब माता जी उनके साथ में और कई भक्तों के साथ वहाँ पर स्मशान भूमि में पहुँचे। कोपी कॉलोनी स्मशान भूमि के पास पहुँचे और उन्होंने जगह बताया। जब भी वहाँ पर जगह देख रहे थे थोड़े बच्चे लोग शिव मंदिर से दौड़े दौड़े आए, बोले कि बाबा की तस्वीर से विभूति निकल रही है। तभी माता जी बोले कि यहाँ पर आश्रम बनाने के लिए भगवान की अनुमति मिली है, यहाँ पर आश्रम बनाएंगे। इसके बाद में माता जी हर शनिवार को परमी जी के घर में भजन करना आरंभ किया। फरवरी 1969 परमी जी और उनके पति दोनों पुना गए हुए थे किसी उनके रिश्तेदार के शादी में। माता जी ने उनके बगल में जो रहते थे दयाबेन के से चाबी लिया, दयाबेन से चाबी लिया और घर खोल के साफ सफाई करके वहाँ पर भगवान सत्य साई बाबा का तस्वीर रखे, शिरडी बाबा का तस्वीर रखे और वहाँ पर हर रोज भजन करना आरंभ किए। माता जी दिन में तो उधर उनके घर में ही रहते थे परमी जी के घर में और शाम को वे शांति निकेतन थाने स्टेशन के पास है जहाँ पर उनके
माता पिता रहते थे वहाँ पर जाके ठहरते थे। 20th October 1969 विजयदशमी के दिन आश्रम का भूमि पूजन हुआ। आश्रम के लिए स्मशान भूमि के पास जो आश्रम बनाने वाले थे वहाँ का भूमि पूजा हुआ। उस दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो विजयदशमी है। विजयदशमी आप सबको पता है शिरडी साई बाबा का समाधि दिन है, और साथ ही साथ और एक महत्वपूर्ण दिन भी है। उस दिन श्री सत्य साई बाबा का घोषणा की और अवतार दिन भी है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण दिन विजयदशमी, शिरडी साई बाबा का समाधि दिन और सत्य साई बाबा का अवतार दिन की घोषणा, इस प्रकार इस शुभ मुहूर्त में भूमि पूजा की गई वहाँ पर। 23rd November 1969 को भी शिव मंदिर कोपरी कॉलोनी में धूमधाम से दूसरा टाइम दोबारा बाबा जी का सत्य साई बाबा का बर्थडे दिन बहुत उत्साह उल्लास से किया गया। 1966 में माता जी कोपरी कॉलोनी दयाबेन के घर में रहते थे, तभी से परमी जी और सचदेव जी को माता जी के ऊपर बहुत ही प्रेम था। जब 1968 में जब भी सत्संग वगैरह होता था शिव मंदिर में, तो माता जी परमी जी को बोलते थे तुम सत्संग में जाया करो। परमी जी बोलते थे मैं कौन सा सत्संग में, मैं नहीं जाने वाली है। तभी माता जी ने बताया थे कि एक दिन भगवान तुम्हारे घर में जरूर आएंगे, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, भगवान तुम्हारे घर में आएंगे करके माता जी ने उस समय बोला था उनको 1968 में। उस प्रकार उनके घर में माता जी रहने लगे, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। माता जी को एक दिन उनका घर में बुलाने के लिए, उनको आने के लिए कितनी याचना करनी पड़ती है, उनकी कितने जन्मों की उपासना होगी, इनका क्या सौभाग्य है, इसको हम कुछ शब्दों में बोल ही नहीं सकते। उनमें कितना प्रेम होगा, इसके कारण ही उनके घर में माता जी रहने लगे। प्रेम की सीमा अपार है। माता जी जो मुँह से बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। सत्संग में मैं नहीं जाएगी करके परमी जी बोला, माता जी ने बोला भगवान तुम्हारे घर में आके रहेंगे, तो माता जी उनके घर में रहने लगे। उनको बहुत प्रेम था। परमी जी तो माता जी को अपनी बेटी मानती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत सेवा करती थी। उसी प्रकार सत्यदेव जी को भी बहुत प्रेम था, और परमी जी का ससुर भी माता जी से बहुत प्रेम प्यार करती थी। सचदेव जी तो बहुत बड़े धनी थे, उनका उस समय थाने वेस्ट गोकले रोड में उनका बड़ा फैक्ट्री था, उनका कारोबार साउथ में पूरा पसरा हुआ था, और वे तो बहुत सत्य साई बाबा के बारे में बहुत पढ़े थे, विवेकानंद जी के बारे में पढ़े थे, गुरु नानक जी का भी उनको बहुत कुछ मालूम था, बहुत बहुत ज्ञान था उनको, बहुत सेवा किया उन्होंने, बहुत प्रेम प्यार किया। माता जी को तीर्थ यात्रा में भी लेके गए थे, ऋषिकेश बद्री जहाँ तहाँ बहुत जगह तीर्थ यात्रा में भी लेके गए थे। इनका प्रेम तो बहुत ही अपरंपार है,
और परमी जी तो होने वाली है 1969 से लेके आश्रम का उद्घाटन होने तक उनके घर में रहने लगे। जून 1970 जून 1970 में माता जी ने शिरडी साई बाबा और सत्य साई बाबा का पेंटिंग बनाने के लिए ऑर्डर दिया। वो तो बहुत बड़ा पेंटर था और माता जी ने शिरडी साई बाबा और सत्य साई बाबा का पेंटिंग्स के लिए गोल्डन कलर सोनेरी कलर का ही सेलेक्ट किया, क्योंकि माता जी का पहले पहले जो दर्शन हुआ था उसमें माता जी ने सत्य साई बाबा को सोनेरी कलर का ड्रेस में गोल्डन रोब्स में ही देखा था, वही कलर माता जी ने सेलेक्ट किया पेंटिंग के लिए। जुलाई 1970 माता जी बहुत सारे भक्तों के साथ में पुट्टपर्ती प्रशांत निलयम गए, वहाँ पर बाबा जी का आशीर्वाद पाने के लिए साथ में एक लकड़ी का पादुका भी साथ में लेके गए थे। पुट्टपर्ती में गए, वहाँ थोड़ा दिन ठहरे, रोज बाबा जी का पादुका भेंट दे के उनका आशीर्वाद पाने के लिए रोज जाते थे सुबह सुबह। फिर काफ़ी दिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। फिर बाद में एक दिन आषाढ़ी का दिन, एकादशी का दिन, बाबा जी को पादुका पहनाने के लिए निकलने वाले थे, उसी समय में चंदन की पादुका वहाँ पर किसी से भेजी गई थी माता जी के लिए, बाबा जी को अर्पण करने के लिए। तो माता जी ने उस चंदन की पादुका, सैंडलवुड पादुका लेके भगवान के सत्य साई बाबा को पहनाने के लिए वहाँ जाके बैठे। बाबा जी ने बुलाया माता जी को और थोड़े भक्तगणों को। माता जी ने चंदन का पादुका सामने अर्पित किए, बाबा जी पादुका खुशी बहुत आनंद से पादुका पहने और जहाँ तहाँ थोड़ा घूमने लगे। माता जी सोचने लगे कि बाबा पादुका देने वाले हैं कि नहीं करके। फिर बाद में बाबा जी ने बोला, मैं पादुका दे रहा हूँ आपको। माता जी को सती साहब ने पादुका दिया और आश्रम की स्थापना करने के लिए भी उनकी अनुमति दी और उपदेश भी दिया, आश्रम कैसा कैसा होना चाहिए सब बताया माता जी को। उस प्रकार मैं बाबा जी का निलय में रहते हुए उनके इधर पादुका पाया और माता जी उसको लेके आए। ये खास करके बोलना है तो ये आषाढ़ी का दिन ही, आषाढ़ी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके यहाँ पर वारकरी लोग पंढरपुर जाते हैं विट्ठल का दर्शन करने के लिए। जहाँ तहाँ से लोग कितनों मील वारकरी लोग विट्ठल का नाम लेते हुए पंढरपुर पहुँचते हैं। इस महान आषाढ़ी एकादशी का दिन माता जी को भगवान श्री सत्य साई बाबा चंदन का पादुका पहन कर माता जी को दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया।
देखकर माताजी पादुका लेकर कलकत्ता चले गए। वहाँ पर भक्त एक भक्त बहुत ही प्रार्थना करती थी, बहुत मुश्किल में थी, बहुत शरीर में वेदना हो रही थी। उस प्रार्थना के कारण माताजी पादुका लेके कलकत्ता गए। उनका घर में एक दो महीना ठहरे। वहाँ पर स्वामी जी भी माताजी के पास आके मिलते थे। बाद में माताजी अगस्त एंड में 1970 अगस्त आखिर में भगवान को पादुका लेके परमी सत्यदेव जी के घर में आ पहुँचे। वहाँ पर पादुका रखे और रोज 5 बजे सुबह ओंकार भजन ध्यान और रात को भगवान को लाली दुर्लभी लेकिन भगवान स्लीप, यह कार्यक्रम तभी से शुरू हुआ। तभी से आज तक भी 5 बजे का ओंकार भजन ध्यान 1970 से लेके आज तक भी जहाँ जहाँ आश्रम है वहाँ पर 5 बजे ओंकार भजन ध्यान होते ही आ रहा है, यह नियम बन गया है। 13 अगस्त 1970 जो पेंटिंग बनाने के लिए थे गोरेगांव में जो रहता है, गोरेगांव का पेंटर जो था गोरेगांव में रहता है, गोरेगांव से दोनों पेंटिंग शिवी साई बाबा और सत्य साई बाबा दोनों पेंटिंग वहाँ से थाने खोपड़ी कॉलोनी परमी जी का घर में लेके आए। वहाँ पर रखा गया परमी जी के घर में और इतना उत्साहपूर्ण थे सब लोग, जैसे कि भगवान सत्य साई बाबा का जन्मदिन, जिस प्रकार जन्मदिन में एकदम प्रेम उल्लास और आनंद होता है, उस प्रकार भगवान शिरडी बाबा और सत्य साई बाबा का तस्वीर रख के अखंड भजन किया गया। अखंड भजन का बीच में यह तस्वीर लाई गई थी और उसका स्थापित की गई। जब ये पेंटिंग्स गोरेगांव से आई उस समय माताजी कलकत्ता में ही थे। 13 अगस्त 1970 में बाबा जी की पेंटिंग्स दोनों पेंटिंग्स आए, माताजी आए अगस्त एंड में। फरवरी 1969 से लेकर माताजी अगस्त 1970 अगस्त 1970 तक रोज दिन परमी जी का घर में ही रहते थे। भजन के बाद शांति निकेतन अपना पेरेंट्स के उधर जाते थे, माँ बाप के जिधर रहते हैं। अगस्त 70 के बाद में जब भगवान की पादुका आ गई तभी से माता जी उनके घर में ही रहने लगे हमेशा। जब आश्रम का उद्घाटन हुआ तभी तक माता जी उनके घर में ही रहे। फरवरी 1969 से लेके 13 जून 1971 तक उनका घर में बहुत आनंद से रहे। उन्होंने बहुत अच्छा सेवा किया, माता जी की सेवा किया और जो भी भक्तगण आते थे उनका भी ख्याल रखते थे, उनका भी सब तरीके से सेवा किया उन्होंने। साथ में बहुत भक्तगण भी आना शुरू हो गया तो माता जी किसी को भी किस प्रकार का तकलीफ नहीं देना चाहते थे।
जब माता जी रहते तो बाद में तो सारा दिन लोग आना जाना सब शुरू हो गया। तो इसके लिए माता जी को भी बहुत इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी आश्रम बन जावे, तो वहाँ पर रहने लगेंगे और यहाँ पर किसी को भी किस प्रकार का तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता था माता जी। फिर भी आश्रम का बांध काम में काफ़ी समय लग गया। अक्टूबर 1969 विजयदशमी का दिन आश्रम के लिए भूमि पूजा हुआ। आश्रम का बांध काम बहुत धीरे से ही चल रहा था। अक्टूबर 69 70 में भी नहीं हुआ आश्रम का बांध काम। जनवरी फरवरी 1970 से माता जी वहाँ पर आश्रम का बांध काम देखने के लिए रोज जाने लगे और साथ में भक्त लोग भी उनके साथ में लोग भी आके कार सेवा भी करने लगे। लोग सब कार सेवा करते करते काम पूरा किया। जल्दी करने के लिए सबको प्रोत्साहित करके कार सेवा में लगा के लोगों को काम पूरा हुआ और 13 जून 1971 को प्रेम आश्रम का स्थापना हुई। माता जी 7 नंबर बिल्डिंग खोपड़ी कॉलोनी से भगवान का पादुका अपना सर के ऊपर रख के भजन करते हुए नगर संकीर्तन सब भक्तों के साथ में निकल के आए। पहले वहाँ का खोपड़ी कॉलोनी का शिव मंदिर में दर्शन किए, बाद में वहाँ से प्रेमाश्रम पे आके सत्य साई बाबा का पादुका को दोनों शिरडी साई बाबा सत्य साई बाबा पेंटिंग के बीच में भगवान की पादुका का स्थापित। जब ही आश्रम का भूमि पूजा हुआ तभी माता जी ने बताया कि इस आश्रम का नाम मैं प्रेमाश्रम रखने वाली हूँ। यह स्मशान भूमि के बगल में है। स्मशान भूमि जो है वो ज्ञान की भूमि है, वैराग्य की भूमि है। यह हमेशा स्मशान भूमि मृत्यु को याद दिलाती है। मृत्यु जो है वो मंगलमय है। जो सत्कर्म करेंगे सत्कार्य करेंगे, पुण्य कर्म करने वालों के लिए तो मंगलमय ही है। और स्मशान जो है हमेशा याद दिलाएगा। यह जो शरीर जो है जब हम माता के कोष पे जन्म लेते हैं यह एक दिन भस्मीभूत होना है। इस स्मशान भूमि के बगल में हमको एक संभाव की प्राप्ति होती है। स्मशान भूमि में जो वैकुंठ धाम बोलते हैं, कैलाश धाम जो भी बोलते हैं, उसमें अमीर गरीब का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। इस समभाव जो है स्मशान भूमि में मिलता है। ये इसलिए मैं इस आश्रम को प्रेमाश्रम नाम रखने वाली हूँ, क्योंकि प्रेम जो है वह शाश्वत है, निरंतर है। इस सब लोगों में इस प्रेम की भावना जागृत करने के लिए सबके मन में प्रेम भाव बढ़ाने के लिए सब परस्पर भाव से रहने के लिए मैं इस आश्रम का नाम
प्रेम आश्रम रत्न बन गया है। माता जी हमेशा कहा करते हैं प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम इज माइटियर देन स्वॉर्ड। माता जी सबको भगवान का निरंतर जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए और निष्काम सेवा करने के लिए बहुत सारे चीज माता जी हमें सिखाते हैं। खेल ही खेल में माता जी के चरणों में हम ज्ञान पा रहे हैं, उनके दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस परम पूजनीय माता जी के श्री चरणों में हम पल रहे हैं, हमारे ऊपर उनकी महान कृपा है, हमें मन वांछित फल का प्रदान करते हैं माता जी। इनकी महिमा तो अपरंपार है, इनकी महिमा का अनुपम असीम कृपा हमारे ऊपर हमेशा गंगा की तरह बहती रहती है। इस परम पूजनीय माता जी को हमारे लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। माता जी के श्री चरणों में उनके आभार प्रकट करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे लिए। 49 years we have completed and we are celebrating 50th Prem Ashram Day। हम मनपूर्वक प्रार्थना करेंगे सभी कोरोना महामारी मुक्त होंगे और स्वस्थ होंगे। 2021 50 साल पूरा होने के अवसर पर बहुत धूमधाम से हम स्वर्ण महोत्सव मनाएंगे।